हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टेक्नो गुरुदेव यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एडसेंस को लेकर, क्योंकि दोस्तों एडसेंस में एक समस्या चल रही है जिसके ऊपर मुझे जो है लोगों ने कमेंट किया, डीएम किया, तो मैंने जो है इस पर वीडियो बनाने के लिए सोचा। जब मैं देखता हूँ कि ज़्यादा कमेंट, ज़्यादा डीएम जो है एक ही टॉपिक ऊपर आने लगते हैं, तो वो टॉपिक से जो है रिलेटेड बहुत लोगों की प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं जो है उस पर वीडियो बनाकर आप लोगों को अच्छे से क्लियर करता हूं। दोस्तों, समस्या कुछ इस टाइप की है कि जब भी हम अपने एडसेंस अकाउंट में यूएस टैक्स फॉर्म फिलअप कर दे रहे हैं, तो वहां पर ऊपर के साइड में फिर से जो है यूएस टैक्स फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन जस का तस है, मतलब वो हट नहीं रहा है। तो ये क्यों नहीं हट रहा है और हमको क्या करना है, और जब हम वहाँ पर मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो हमारा जो है एडसेंस का जो यूएस टैक्स फॉर्म है वो अप्रूव दिखा रहा है और बगल में ऐड न्यू टैक्स फॉर्म का एक ऑप्शन आ रहा है। तो इसी को लेकर काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं कि क्या हमको दोबारा से फॉर्म फिलअप करना है, क्या हमको जो है कुछ नया फॉर्म फिलअप करना है। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा डीएम आ रहे थे कि सर इस पर आप एक वीडियो बना दीजिए ताकि हम लोग का डाउट क्लियर हो जाए। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए आ चुका है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबाकर ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरी जो भी वीडियो रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर चलता हूँ, इधर स्मार्टफोन रहता है, इधर लैपटॉप की स्क्रीन पर चलता हूँ और आपको क्लियर करके बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अपने एडसेंस में यूएस टैक्स फॉर्म भर दिया लेकिन फिर भी आपको जो है यूएस टैक्स फॉर्म भरने वाला ऑप्शन ये जो है दिखाई दे रहा है ऊपर, और जब आप यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन पर, तो यहाँ पर जो है आपको जो भी आपका यूएस टैक्स फॉर्म भरे हैं वो यहाँ पर भरा हुआ दिखाई दे रहा है और अप्रूव दिखाई दे रहा है ये जिस डेट का आप भरे हैं, और यहाँ पर सबमिट न्यू फॉर्म करने का ऑप्शन आ रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको यूएस टैक्स फॉर्म भरने के बाद भी अगर ऐसा ऑप्शन आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर क्लिक करके मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन पर चेक कर लेना है कि आपका स्टेटस जो है अप्रूव है कि नहीं। आपने सही सही से भरा होगा तो सारी चीज़ें जो है सही हैं। उसके साथ ही अब आपको यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली जो है यहाँ पर डिसमिस इसको कर देना है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन है, ये हमेशा जो यहीं पर रहेगा, तो आपको इसको जो है ज़्यादा माइंड नोटिस नहीं करना है, डिसमिस कर देना है और ये यहाँ से हट जाएगा। मतलब जो भी चीज़ें एडसेंस में करने के लिए आता है वो हमको यहाँ पर जो है पिंक वाले जो है बॉर्डर लाइन में दिखता है। तो इस तरह से दोस्तों आपको जो है यूएस टैक्स फॉर्म को लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपको सिंपली जो यहाँ पर आकर बस अपना जो है फॉर्म का ही स्टेटस चेक करना है कि आपका फॉर्म भरा गया है कि नहीं। अगर नहीं भरा है तो आपको मैंने जो है वीडियो आई बटन में दे दिया है, वहाँ पर क्लिक करके जो है अपना यूएस टैक्स फॉर्म भर सकते हैं। तो केवल डिसमिस कर देना है और आपको टेंशन फ्री रहना है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एडसेंस में सिर्फ हमको एक ही बार यूएस टैक्स फॉर्म भरना है। अगर हमने कोई गलती किया है तो हम वहाँ पर नया फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अगर हमने वहाँ पर जैसे कि नेम, एड्रेस, डॉक्यूमेंट में कोई भी गलती कर दिया है, किसी और का पैन कार्ड लिंक कर दिया है, तो हम वहाँ पर जो है खुद से एक नया फॉर्म सबमिट करके अपना यूएस टैक्स फॉर्म अच्छे से फिलअप कर सकते हैं। तो आपने एक बार भर दिया है, ऊपर वो जो आपको दिख रहा है ऑप्शन उसको आपको डिसमिस कर देना है और कुछ भी नहीं करना है, दोबारा से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चले। एंड दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेक्नो गुरुदेव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटा दबाइए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सिर्फ आपको मिले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।